Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, केतु जब आपके बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस में आता है तो उसकी क्या रेमेडी हम कर सकते हैं. और फोर्थ हाउस क्या है, केतु क्या करता है फोर्थ हाउस में, उसको जानने के लिए पहले हम चलते हैं बोर्ड की तरफ. और ये है आपका बर्थ चार्ट, बीच की लाइन बीच में पहले ड्रॉ करते हैं और फिर इसको क्रॉस कर देते हैं. और ये है आपका फोर्थ हाउस और यहां अगर केतु होगा तो क्या होगा, अगर केतु यहां पर है तो राहु आपके टेंथ हाउस में हो सकता है, हो सकता है क्या होगा. सो केतु अगर फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस यानी आपका कंफर्ट्स, फोर्थ हाउस यानी आपका होमलैंड, आपका बर्थ प्लेस, आपकी मदर और जो भी आपकी कंफर्ट्स की चीजें हैं, लाइक जैसे घर हो गया, फर्नीचर हो गए, घर का सामान हो गया, आपकी गाड़ियां हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, जो भी आपकी अर्ली एजुकेशन होती है तो उसका संबंध फोर्थ हाउस से है. यानी जो आपकी टेंथ या इलेवेंथ तक की जो एजुकेशन होती है उसका संबंध फोर्थ हाउस से है. जिस एजुकेशन में आपकी मदर आपकी सपोर्ट करती हैं, यानी माँ जो हैं वो जब बच्चे को लेके जाती हैं, स्कूल छोड़ने जाती हैं, तो वो आपका फोर्थ हाउस हो गया. और फिफ्थ हाउस यानी उससे आगे की एजुकेशन यानी कॉलेज. तो फोर्थ हाउस यानी आपका कंफर्ट्स, आपका होमलैंड, आपके होमलैंड के लोग और जो भी आपकी देशभक्ति का जो आपके अंदर गुण होता है उसका संबंध भी फोर्थ हाउस से. फोर्थ हाउस यानी आपका मन. केतु रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन को, डाइवोर्स को, डिटैचमेंट को. केतु हमें मेटलिस्टिक चीजों से अलग करता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है. तो केतु अगर फोर्थ हाउस में है, तो केतु अगर फोर्थ हाउस में होगा तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों का एक्सपीरियंस आपको बहुत होगा, क्योंकि केतु हमारा इनिशियल लाइफ एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस. तो केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस की चीजों को आप एक्सपीरियंस कर चुके हो और बाद में यहां से आप सेपरेट हो जाएंगे, यानी फोर्थ हाउस की चीजें आपसे छूट जाएंगी या फोर्थ हाउस की चीजों को आप छोड़ सकते हैं. अब अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है या सैटर्न के साथ प्लेस हो जाता है या कंबस्ट हो जाता है, या सैटर्न का एस्पेक्ट अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है तो चीजें और ज्यादा वर्स हो जाती हैं और ज्यादा बिगड़ जाती है. तो केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो हम पहले फोर्थ हाउस की चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद हम राहु की चीजों को करना स्टार्ट करेंगे. यानी टेंथ हाउस में जो राहु है उन चीजों को हम बाद में स्टार्ट करना शुरू करेंगे. यानी टेंथ हाउस यानी आपका कैरियर, टेंथ हाउस यानी आपका सोशल स्टेटस, टेंथ हाउस यानी आपका कर्मा, आपकी ड्यूटी, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी, वो टेंथ हाउस है. तो टेंथ हाउस की चीजों के लिए हम बाद में काम करेंगे, बाद में कोशिश करेंगे ताकि हमें टेंथ हाउस की चीजें प्रॉपर तरीके से मिल पाए. तो जो आपका फ्यूचर है वो टेंथ हाउस है जहां पर राहु प्लेस्ड है और केतु जहां पर प्लेस होता है वहां से हमारा सेपरेशन होता है. अब केतु जैसे फोर्थ हाउस में है तो मैंने बताया कि फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है होमलैंड को, होमली कंफर्ट्स को, आपके घर को, आपकी मदर को, एजुकेशन को. तो यहां पर अगर हम फोर्थ हाउस में केतु की रेमेडी करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कर्म करना है, हमें ऐसा करना है जहां पर हम दूसरे लोगों की हेल्प करें, जहां पर हम दूसरे लोगों की मदद करें. फोर्थ हाउस यानी कंफर्ट्स, जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास रहने की सुख सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उन लोगों की मदद करें. जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं लेकिन उनकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है तो उनकी हेल्प करें. जिनके मदर फादर नहीं है, फोर्थ हाउस यानी आपके पेरेंट्स, तो जिनके मदर फादर नहीं है उनकी हेल्प करें. जिनको अपने परिवार में, घर में सम्मान नहीं मिलता या लोग उनको पालना नहीं चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर जो उनके पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, वो परिवार वाले अपने मदर फादर को पालना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि इनके ऊपर बेकार में पैसा खर्च होगा. तो ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जो अपने ओल्ड पेरेंट्स की हेल्प नहीं करते हैं, तो उन लोगों की हेल्प करें, बड़े बुजुर्गों की हेल्प करें. जिन लोगों के पास खाना नहीं है उनको खाना प्रोवाइड करें, जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिनके पास कंफर्ट्स नहीं है उनको कंफर्ट्स की चीजें प्रोवाइड करें.
तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए हमें कर्म करना है और निस्वार्थ कर्म करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वहां से हमें दोबारा से कोई हेल्प मिल सकती है। तो ऐसा आपको काम करना है, तभी केतु यहाँ पर आपको सही रिजल्ट दे पाएगा। अदरवाइज केतु आपको फोर्थ हाउस की चीजों से सेपरेट करता है। तो इनिशियल लाइफ में आप फोर्थ हाउस की चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में वहां से सेपरेट हो जाते हैं। सो गाइज, आज मैंने बताया कि केतु अगर आपके फोर्थ हाउस में आता है तो कौन कौन सी रेमेडी आपके लिए काम कर सकती है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के बारे में या अपने फोर्थ हाउस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।